नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज एरर एनालिसिस। तो एरर एनालिसिस टॉपिक है किससे रिलेटेड, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। फिजिकल क्वांटिटीज हम जब भी मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस तक कुछ होंगी, इज इट नॉट। जैसे तुम्हारा लेट अस से तुम अपना वेट ही मेजर कर रहे हो तो वेइंग मशीन तो एक या दो डेसिमल तक दिखाएगी, राइट? लेकिन एक्चुअल में तो बहुत सारे डेसिमल्स तक होगा ना, कुछ कुछ मिलीग्राम, कुछ नैनोग्राम तक भी कुछ तो वेट होगा तुम्हारा, तो वो तो हमें पता चलेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर मेजर्ड क्वांटिटी, हर एक फिजिकली मेजर्ड जो क्वांटिटी है उसमें जो है एरर होगी कुछ ना कुछ। एरर क्या होती है, कुछ तो उसकी ट्रू वैल्यू होगी और ट्रू वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो हमारी एरर आ जाएगी, इज इट नॉट। समझे कि नहीं रात? हाँ, तो क्या लिखा हमने, वी ट्राई टू एस्टिमेट फिजिकल क्वांटिटीज आइदर डायरेक्टली यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और बाय कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मान लो मास अलग से मेजर किया मैंने, वॉल्यूम अलग से मेजर किया, दोनों का रेशियो लेके डेंसिटी कैलकुलेट की। अब कैलकुलेटर में डालोगे तो मतलब डेसिमल प्लेसेस जितने हैं सारे डेसिमल प्लेसेस तक दिखा देगा, 12 डेसिमल तक दिखा देगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मेरे को 12 डेसिमल तक डेंसिटी एग्जैक्टली पता है। क्यों? क्योंकि जो मैंने मास जो जो भी वेट लिया है मैंने या मास जो मैंने मेजर किया उसके अंदर खुद ही इतना एरर है, वही 2 डेसिमल तक मालूम है। उसके बाद फिर वॉल्यूम भी मुझे मान लो 2 डेसिमल तक मालूम है। तो उनका अगर मैंने रेशियो लिया डेंसिटी के लिए और उस डेंसिटी को मैंने 11 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट कर दिया तो गड़बड़ है उसके अंदर, इज इट नॉट। क्योंकि ऐसा लगेगा कि मतलब अगर 11 डेसिमल प्लेसेस तक रिपोर्ट करो तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा उसमें, है ना। तो साइंटिस्ट को ये इंपॉर्टेंट होता है क्या कि जो कॉन्फिडेंस है उससे ज्यादा अनड्यू कॉन्फिडेंस ना रिपोर्ट करें, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना साइंटिफिक डेटा किस पर्पस के लिए यूज होने वाला। मान लो रॉकेट लॉन्चिंग की बात है तो रॉकेट लॉन्चिंग में तो कितना सेंसिटिव होता है रॉकेट लॉन्च, मान लो 1 डिग्री इधर से उधर फोर्स हुआ तो फिर पता चला 10^6 किलोमीटर के बाद वो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा रॉकेट, इज इट नॉट। तो समटाइम्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दैट काइंड ऑफ, तो इसलिए हमको कैलकुलेशंस भी प्रॉपरली किस तरह से करनी है और किस तरह से रिपोर्ट करनी है सो दैट वी डोंट गिव अनड्यू कॉन्फिडेंस इन द रीडिंग्स। तो ये सब हम लोग का इस टॉपिक का इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ टू रिपोर्ट द कैलकुलेशंस विद करेक्ट कॉन्फिडेंस लेवल। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो एरर की सबसे पहले डेफिनेशन हमने क्या बताई, हाँ, तो मोस्ट मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज कांट बी नोन टू इनफाइनाइट डेसिमल्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड अवर एस्टिमेशन, इस डिफरेंस को एरर कहते हैं। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, एरर विल बी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ध्यान रखना मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो हमारी एरर पॉजिटिव होगी, समझ गए? ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, तो ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है तो एरर कैसे निकालेंगे। तो हम ट्रू वैल्यू का बेस्ट एस्टिमेट कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं, सिंगल मेजरमेंट नहीं करते हैं हम लोग मल्टीपल मेजरमेंट्स करते हैं और मल्टीपल मेजरमेंट्स की जो एवरेज वैल्यू उसी को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो वी कैन जस्ट हैव एन एस्टिमेट ऑफ ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन एवरेजेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड टेक दैट एज बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है, और ट्रू वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू जो भी है उसमें से एरर को माइनस कर देंगे। तो नेगेटिव ऑफ एरर को हम कहते हैं करेक्शन, समझ गए, एरर के नेगेटिव को कहते हैं करेक्शन। एरर माइनस की जाती है ट्रू वैल्यू निकालने के लिए और करेक्शन ऐड किया जाता है। ओके, ऑल्सो वी डिफाइन करेक्शन एज नेगेटिव एरर, तो ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू प्लस करेक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो देखो किसी चीज की लेंथ मैंने मेजर करनी है तो लेंथ मैं कई तरह से मेजर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उसको नॉर्मल जो तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है नॉर्मल रूलर उससे मेजर कर सकता हूँ, लेकिन उससे जब मेजर करोगे तो तुम्हें पता है एचिंग्स तुम्हारी 1-1 मिलीमीटर पे ही है, इज इट नॉट। तो जब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर करते हो तो हम जो भी रीडिंग लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या अप्रोक्सीमेट किया होगा नियरेस्ट मिलीमीटर तक, इज इट नॉट। तो उसमें क्या मानते हैं, जब भी हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो भी होता है तो हम क्या मानते हैं, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से रिपोर्ट कर रहे हो तो प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर की एरर हम मानते हैं। मतलब जैसे तुमने अगर 19 mm रिपोर्ट किया तो दैट विल बी रिपोर्टेड एज 19 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, ठीक है नहीं? इसमें तुम लोग सोच सकते हो कि यार प्लस माइनस 0.5 क्यों नहीं लेते। कुछ किताबें ऐसा बोलती भी है कि आधा ले लिया जाता है जहां पे विजुअली एस्टिमेट कर सकते, क्योंकि एचिंग्स बहुत दूर दूर हैं अगर, तो तुमको विजुअली दिख जाएगा कि ये 0.5 से आगे या 0.5 से पीछे है। तो कुछ बुक्स ऐसा बोलती थी लेकिन एनसीईआरटी के पर्पज से या जेई के पर्पज से हम लोग को एकदम क्लियर है प्लस माइनस लीस्ट काउंट ही लेके चलना है। ठीक है, जहां पे भी डाउटफुल होता है एरर हायर साइड पे रिपोर्ट करें लोअर साइड पे रिपोर्ट करें, इट्स बेटर टू रिपोर्ट इट ऑन हायर साइड, क्योंकि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चलते हैं। ठीक है, नहीं वी ऑलवेज टेक सम सेफ्टी। तो जब भी डाउटफुल है कि एरर ये रिपोर्ट करें ये रिपोर्ट करें,
तो जनरली हायर साइड पे रिपोर्ट करते हैं. ऑफ कोर्स हायर साइड मतलब ये नहीं कि कुछ भी जितना आया उससे भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे राउंड ऑफ की बात है वहां पे हम हायर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं, लोअर साइड पे एरर्स को जनरली नहीं राउंड ऑफ करते हैं. ठीक है, तो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. स्मॉलेस्ट कितना इनपुट, यानी जैसे रूलर के लिए तो इनपुट क्या है हमारा, बेसिकली जो लेंथ उसके साथ लगाई जो आंख से नजर आ रही है, समझ गए कि नहीं, तो और जो मार्क दिख रहा है वो आउटपुट है बेसिकली, समझ गए कि नहीं. रूलर में इतना ट्रिवियल सा केस है, जनरली करंट मेजर कर रहे हो अगर, तो इनपुट हमारा करंट है और आउटपुट जो तुम्हारा जो सुई आगे जा रही है उसका एंगल जो है दैट इज द आउटपुट, समझ गए कि नहीं, कितने डिविजन वो एंगल आगे मेजर चला गया. तो स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट इनपुट सिग्नल में जो वो डिस्टिंग्विश कर सकता है वो हमारा क्या है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन कहलाता है. ठीक है, ओके. फॉर मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इट इज टेकन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लीस्ट काउंट के बराबर ही हो. कई बार क्या होता है, इंटरनल नॉइज होती है सिस्टम के अंदर, मतलब कभी कभी जैसे तुम देखोगे डिजिटल मीटर्स लगाओगे तो डिजिटल मीटर्स में क्या होगा, लास्ट डिजिट कई बार फ्लक्चुएटिंग करती रहती है, ठीक है नहीं, तो कई बार इंटरनल इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से वो लास्ट डिजिट मैटर नहीं करती एक्चुअली, तो वो कभी कभी नहीं होता. बट हाँ, वापस जेई के पर्पज से क्या मानेंगे हम लोग, जो क्या कहते हैं, जो लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का, जो लीस्ट डिस्टिंग्विशिंग दिख रहा है तुमको, वही हमारा प्रिसीजन रेजोल्यूशन कहलाता है, समझ गए कि नहीं. ठीक है, तो क्या लिखा हमने, दो इट कुड बी लेसर ड्यू टू रैंडम नॉइज विद इन द इंस्ट्रूमेंट, फॉर इंस्टेंस लास्ट डिजिट ऑफ अ डिजिटल डिस्प्ले कुड रैंडमली वेरी ड्यू टू इंटरनल नॉइज विद इन द सिस्टम. एक बार मेजर कर रहे हो तो 3 दिखा रहा है, अगली बार मेजर कर रहे हो तो 9 दिखा रहा है, अगली बार लास्ट 2 डिजिट्स में भी हो सकता है फ्लक्चुएशन है बार बार. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इंटरनल नॉइज विद इन द, या फिर मतलब बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, सोचो कंप्यूटर कई बार तुमने देखा होगा फाइल कॉपी करते हैं तो बताता है एस्टिमेटेड टाइम, तो वो एस्टिमेटेड टाइम 24 घंटे दिखा रहा होता है, उसके बाद अचानक 10 मिनट आ जाता है, ठीक है नहीं, है ना. तो मतलब इस तरह से रैंडम नॉइज तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब, लेकिन कई बार होता है फ्लक्चुएट होता है टाइम रिमेनिंग फॉर कॉपिंग फाइल्स, ठीक है नहीं, ओके. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट. एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है, तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है. तो टिपिकली क्या है, जैसे इसको बेस्ट है एक इससे मैं दिखाता हूँ, ग्राफ ग्राफ से समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एक्यूरेसी और प्रिसीजन मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है, तो जनरली क्या है, एक बार हम रीडिंग नहीं लेते हैं, हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, है ना, किसी भी चीज की मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं. तो मान लो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है और वो बुल्स आई का कोऑर्डिनेट मेजर करना चाह रहा है, यानी जो समझते हो ना बुल्स आई जिस पे ये डार्ट्स मारते हो, तो बुल्स आई का सेंटर का कोऑर्डिनेट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक बार मेजर करो तो ये राइट ये नॉर्थ ईस्ट वाला बताता है ये कोऑर्डिनेट है, दोबारा मेजर किया तो ये नॉर्थ वाला कोऑर्डिनेट बता दिया, दोबारा मेजर किया तो वेस्ट वाला कोऑर्डिनेट बता दिया, दोबारा फिर मेजर किया तो साउथ वाला कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक है. तो इस केस में फिर जब इन सब रीडिंग्स की एवरेज लोगे तो यू आर लाइकली टू बी वेरी क्लोज टू द बुल्स आई, ठीक है नहीं. तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये मेजरमेंट का जो सिस्टम हम लोगों का है ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है. प्रिसाइज मतलब आपस में भी पास पास में होना चाहिए, ठीक है नहीं, मेजरमेंट. तो दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ठीक है, मेजरमेंट. ओके, जब इस तरह से मेजर कर रहे हो, और अगर इसको हम देखें ये यानी लोअर लेफ्ट जो हमारा मेजरमेंट का सिस्टम है, इसमें देखो तो ये सारे मेजरमेंट्स आपस में पास पास में है, ऑल दो ये बुल्स आई से दूर है लेकिन आपस में बहुत पास पास में, तो इसको हम कहेंगे प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. ऐसा अक्सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हो जाता है अगर उनमें जीरो एरर होती है. जैसे मान लो मतलब सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे समझो हलवाई का तराजू ही है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, वो मिठाई जब तोलता है तो इनिशियली अगर मान लो कुछ दिखा रहा है वो वेट, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा, इज इट नॉट, अगर हमें मिठाई का करेक्ट वेट निकालना है तो, या डब्बे का वेट माइनस करना पड़ेगा. वो नहीं अगर माइनस करते हो, डब्बे कॉन्स्टेंट वेट के हैं, तो हर बार तुम्हारा जो दिखा रहा है वेट वो ऑफसेट होगा रियल वैल्यू से, समझ गए कि नहीं. तो कई कई बार क्या होता है, हम लोगों को प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहता है, मतलब बेशक वो एक्यूरेट ना हो लेकिन प्रिसीजन है तो उसको एडजस्ट करके बाद में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है नहीं. तो समझ में आया, ये जो मेजरमेंट है हमारा क्या है, दिस इज नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, ठीक है. और जो फिर नीचे जो देख रहे हो तुम्हारा जो ये बॉटम राइट जो कॉर्नर है, इसमें देखो ना तो इनकी एवरेज बुलसाई के पास आने वाली है और ना ये रीडिंग आपस में पास पास में, ठीक है. तो दिस इज नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ओके, समझ गए कि नहीं.
तो पहला क्या है एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, दूसरा क्या है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, तीसरा क्या है नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, एंड चौथा क्या है नॉट एक्यूरेट एंड नॉट प्रिसाइज। तो समझ में आया मेजरमेंट के एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, क्लियर है ये सभी को? ठीक है, ओके। तो पढ़ देते इसको फॉर्मली क्या लिखा, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट विल बी मोस्टली एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग्स टेकन फॉर एस्टिमेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी। प्रिसीजन टेल्स अस द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यानी ऑब्वियसली अगर वर्नियर कैलिपर से बार बार रीडिंग ले रहे हो तो प्लस माइनस 0.1 mm में होगी, ठीक है नहीं? ठीक है, तो प्रिसीजन टेल्स अस द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर इंस्टेंस टिपिकल पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स रीड्स अप टू 0.1 mm। तो यही इसी का प्रिसीजन भी होगा। इंस्ट्रूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जब बोलते हैं तो प्रिसीजन का मतलब लीस्ट काउंट ही होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। प्रिसीजन और लीस्ट काउंट सेम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। वेयर एज अ रूलर रीड्स अप टू 1 mm, दिस दस वर्नियर कैलिपर्स आर मोर प्रिसाइज देन द रूलर्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के केस में प्रिसीजन जब भी रेफर करता हूँ उसका मतलब लीस्ट काउंट से ही होता है जनरली, ये कितना प्रिसीजन है इसका, ठीक है। तो इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं, इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका प्रिसीजन कितना है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो ट्रू वैल्यू ऑफ अ लेंथ इज 3.678 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू किसी लेंथ की। इन वन एक्सपेरिमेंट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 सेंटीमीटर द मेजर्ड वैल्यू इज फाउंड टू बी 3.5 सेंटीमीटर, ओके। व्हाइल यूजिंग अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेटर रेजोल्यूशन 0.01 सेंटीमीटर द लेंथ इज 3.38 सेंटीमीटर। विच मेजरमेंट हैज मोर एक्यूरेसी एंड विच वन हैज हायर प्रिसीजन। तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा डेसिमल्स तक आ रहा है तो ये हमारा ज्यादा प्रिसीजन है इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा डेसिमल्स तक रिपोर्ट किया हुआ है। और एक्यूरेसी की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर लो ट्रू वैल्यू में से, तो 3.678 माइनस 3.5 कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू आएगी 3.5, है ना, ठीक है। और दूसरे केस में क्या करोगे, 3.38 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा ज्यादा पास है, तो 3.5 वाला ज्यादा पास है, इज इट नॉट। तो इसको बोलेंगे जो 3.5 वाला है मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज, और सेकेंड वाला जो है दिस मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, समझ गए, ठीक है। Accuracy of an instrument can depend on its resolution. For instance, vernier calipers without a zero error will be more accurate. कई बार accuracy भी precision पे depend करती है, क्यों? क्योंकि ruler से measure करोगे तो कितना भी measure कर लो plus minus 1 mm का error रहेगा, जबकि vernier caliper से measure करोगे तो plus minus 0.1 mm का error रहेगा। तो मान लो zero error कुछ भी नहीं है, zero error क्या होता है, जब इंस्ट्रूमेंट को जीरो रीडिंग देनी चाहिए तब भी वो कुछ रीडिंग दे रहा है, समझ गए कि नहीं? वो कैसे आ सकती है, हलवाई का तराजू है तो मान लो जलेबी का सीरा उसमें चिपक ही गया परमानेंट, तो फिर जीरो एरर आ जाएगी उसमें, ठीक है नहीं, उतना एक्स्ट्रा वेट वो बताएगा, समझ गया कि नहीं, अनलेस उसको ऑफसेट किया तुमने जीरो एरर को। तो जीरो, तो अगर वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कुछ भी नहीं है, वर्नियर कैलिपर में कैसे जीरो एरर आ जाएगी, कैलिपर्स के जॉज में मान लो नेल पॉलिश लगा दिया किसी ने, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घिस गए जॉज लेटर से, तो फिर क्या होगा, वो जितना भी तुम डाल रहे हो विड्थ उसके अंदर उससे कम रीडिंग देगा वो फिर, इज इट नॉट, क्योंकि उसके जॉज घिसे हुए, समझ में आई बात की नहीं? तो ठीक है, तो लीस्ट काउंट पे अगर, लेकिन जीरो एरर नहीं है तो वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा कि कितना एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, समझ गया, कितना पास दे रहा है ट्रू वैल्यू के, ओके ओके। तो रूलर में गिव अ मेजरमेंट सच एज 5.1 सेंटीमीटर, वेयर एज अ वर्नियर में गिव अ वैल्यू क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू इज 5.13 सेंटीमीटर, एक डेसिमल और दे देगा वर्नियर, ठीक है। तो सभी को क्लियर है ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसमें कुछ भी डाउट तो नहीं किसी को, एनी डिस्कशन पॉइंट इज देयर, ठीक है, हाँ यस। तो अभी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थ्री स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फाइंड लेंथ ऑफ अ रॉड हुज लेंथ इज नोन टू बी 2.250 सेंटीमीटर, उसी की लेंथ हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कमेंट ऑन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ देयर मेजरमेंट्स। तो पहले स्टूडेंट ने क्या मेजर किया, एक्चुअल ट्रू वैल्यू 2.250, तो पहले ने पहले मेजरमेंट में 2.25 निकाला, दूसरे में 2.27 निकाला, तीसरे में 2.26 निकाला, चौथे में 2.2 नॉट चौथा, तीन रीडिंग्स ली और इनका एवरेज 2.26 निकल गया, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट का 2.252, फिर 2.250, फिर 2.251, इसका एवरेज निकला 2.251, ठीक है। तीसरे स्टूडेंट ने जो कैलकुलेट किया तो 2.250, 2.250, 2.250 एंड बिकम्स एवरेज बिकम्स 2.250। तो इसमें बता सकते हैं हम लोग कि कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है रिलेटिवली अगर हम बात करें। तो अगर फर्स्ट रीडिंग देखें हम ए की, तो इसका प्रिसीजन तो वैसे ही दो डेसिमल प्लेसेस तक दिख रहा है, ठीक है, तो प्रिसाइज तो इसका प्रिसीजन तो वैसे ही कम है, ठीक है। और एक्यूरेसी भी अगर तुम देखो तो इसकी जो ट्रू वैल्यू 2.250 से इसका एक्यूरेसी भी कम है, ठीक है। तो इट इज नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज कंपेयर्ड टू अदर्स, ठीक है, आपस में हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ए का है रीडिंग सेट दैट इज नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, और बी का क्या है
एक्यूरेट ज्यादा है लेकिन प्रिसाइज कम है, मतलब एज कम्पेयर टू सी अगर हम देखें तो एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है बी में, लेकिन प्रिसीजन किसका सबसे ज्यादा, प्रिसाइज और एक्यूरेट सी का, क्योंकि सी के तो देखो कोई स्प्रेड ही नहीं है बिल्कुल भी, सब 2.250 आ रहा, समझ गया कि नहीं? तो पता लगा सकते हैं ना हम इस तरह से कि कौन सा रीडिंग सेट एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है, क्लियर है सभी को? ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ एरर्स की। तो एरर्स हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, ठीक है? सिस्टमैटिक एरर होती है जो विच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, या समझ लो कि जिसका हमको मैकेनिज्म पता है कि कैसे एरर हो रही है, तो दैट इज सिस्टमैटिक एरर, जिसको हम लोग थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं तो वो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टम जनरेटेड एरर है, उसको अक्सर करेक्ट किया जा सकता है। रैंडम एरर होती है जो जो हमको एस्टिमेट ही नहीं पता होता, जिसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि कैसे आ गई। जैसे मान लो अचानक आंधी आनी शुरू हो गई, हवा चलनी शुरू हो गई, हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमको पता लगा सके कि कितनी जोर से हवा चलनी चल रही है, उससे हो सकता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाए, उसकी वजह से कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाए, समझ गए कि नहीं? तो एक तरह की रैंडम एरर है, ठीक है? लेकिन जैसे मान लो जीरो एरर है, तो जीरो एरर इंस्ट्रूमेंट की जो एक सिस्टमेटिक एरर है। क्या करोगे, हलवाई का तराजू अगर हमेशा हायर साइड पे वेट दे रहा है तो खाली तराजू में देख लो कितनी रीडिंग आ रही है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिस्टमैटिक एरर कई बार जो है, मोस्टली सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है? नहीं, ठीक है, तो अभी समझते हैं। तो एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, ये जनरली ट्रू है सिस्टमैटिक एरर्स का, लेकिन कुछ एरर्स होती है सिस्टमैटिक जिनकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होना कोई जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट एरर जो है, लीस्ट काउंट एरर कैन बी आइदर ऑन हायर साइड और कैन बी लो ऑन द लोअर साइड, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर। क्यों रैंडम? इसलिए क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब तुमने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग दे रखी है 19.1 मिलीमीटर, तो इट कुड बी प्लस माइनस 0.1, तो डायरेक्शन तो उसकी रैंडम है, साइन उसका रैंडम है ना? लेकिन सिस्टमैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से एक सिस्टम है, सिस्टम से जनरेट हुई, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 mm है, इस वजह से हमारी प्लस माइनस 0.1 की एरर आ रही है, सिस्टम जनरेटेड एरर है। तो लीस्ट काउंट एरर जो, उसको दोनों में क्लासिफाई करते हैं, इट इज सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज रैंडम एरर, समझ गए कि नहीं? क्योंकि सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है कि क्या मेजरिंग सिस्टम हमने चूज किया, ठीक है? बट अदरवाइज मोस्ट सिस्टमैटिक एरर्स दे टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? तो सोर्सेस क्या है सिस्टमैटिक एरर्स के? तो सबसे पहला एरर का जो है, सिस्टमैटिक एरर का टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर किस तरह की हो सकती है? कैलिब्रेशन एरर हो सकती है। जैसे नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हमने जनरली मार्क करते हैं, लेकिन गलती से मान लो कोई थर्मोमीटर को ऐसे कैलिब्रेट कर दिया कि 104 डिग्री सेल्सियस हो गया था, उसको 100 समझ के मार्क कर दिया हमने, ठीक है? कैलिब्रेट करने के लिए क्या किया था, पानी को बॉयल होने दिया तुमने, ठीक है? लेकिन 104 डिग्री सेल्सियस की समहाउ, मतलब प्रेशर ज्यादा था जो उस दिन, मान लो 104 से किसी बॉयल हो रहा था लेटर से, तो तुमने कैलिब्रेशन तुम्हारा गलत हो गया, तो 104 पे वो 100 दिखाएगा, इज इट नॉट? दैट्स अ कैलिब्रेशन एरर। या फिर जीरो एरर, जीरो एरर जैसे मैंने बताया अभी हलवाई का तराजू, या फिर वर्नियर कैलिपर्स के जॉज घिस गए, या फिर नेल पेंट लग गया एक्स्ट्रा वर्नियर, समझ गए कि नहीं? तो किस तरह की एरर हो सकती है? कैलिब्रेशन एरर, जीरो एरर, डिजाइन इम्परफेक्शन हो सकता है, अंदर फ्रिक्शन है लेटर से, तुम्हारा जो एमीटर की सुई है वो, उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रिक्शन है, तो जाना चाहिए कहीं तक लेकिन उसके बाद, उसके पहले ही फ्रिक्शन की वजह से पहले रुक गई सुई, तो ये डिजाइन इम्परफेक्शन टाइप का हुआ, समझ गए कि नहीं? तो ये सब जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं हमारी, ठीक है? कैलिब्रेशन एरर क्या है? जैसे मैंने बताया थर्मोमीटर कुड बी कैलिब्रेटेड टू रीड 104 डिग्री सेल्सियस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो कैलिब्रेशन एरर। जीरो एरर क्या है? रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज एक्चुअली सपोज टू गिव जीरो, इट्स कॉल्ड जीरो एरर। जब इंस्ट्रूमेंट में आना चाहिए जीरो लेकिन फिर भी कुछ दिखा रहा है, तो वो जीरो एरर है, समझ गए? फॉर इंस्टेंस एट अ स्वीट शॉप बैलेंस माइट नॉट गिव जीरो इवन व्हेन नो स्वीट्स आर प्लेस्ड ऑन इट, दैट इज आइदर ड्यू टू वेयर एंड टियर लॉसेस और ड्यू टू समथिंग परमानेंटली स्टिकिंग ऑन द वेइंग पैन, ठीक है? डिजाइन इम्परफेक्शन, डिजाइन इम्परफेक्शन क्या है? जैसे एक एरर होती है बैकलैश एरर। तो बैकलैश एरर कैसी होती है? आई विश आई हैड सम वाटर बॉटल, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही बताता हूँ। तुमको पता है कि किसी स्क्रू को मैं ऐसे घुमाता हूँ, हाँ स्क्रू को घुमाता हूँ तो वो ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, जब स्क्रू को रोटेट करते हैं तो ट्रांसलेशन मोशन भी होता है। तो नॉर्मली तो स्क्रू को मान लो मैंने 30 डिग्री घुमाया तो हो सकता है वो 1 मिलीमीटर चढ़े, तो 60 डिग्री घुमाऊंगा तो 2 मिलीमीटर चढ़ेगा, 90 डिग्री घुमाऊंगा तो 3 मिलीमीटर चढ़ेगा, एटसेट्रा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्क्रूज का जो जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड इसके थ्रेड्स में और जो नट और बोल्ट के जो थ्रेड्स हैं, इनमें थोड़ा सा कहते हैं प्ले आ गया। प्ले आ गया मतलब क्या होता है बेसिकली, ये जनरली यही बोलते हैं लैब में, प्ले आ गया मतलब कि खटखट करके ऊपर नीचे ये खींच सकते हो थोड़ा बहुत। कई बार क्या है, विदाउट इवन रोटेटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे जाएगा वो खटखट करके, है ना?
तो उसको इस तरह के एरर को हम क्या कहते हैं, बैकलैश एरर। समझ गए, समझ में आई बैकलैश एरर। ये कहां पे आएगी, पर्टिकुलरली स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज में क्या करते हो, एक नट बोल्ट टाइप का अरेंजमेंट होता है जिसको स्क्रू को तुम ऐसे ऐसे घुमाते हो, बीच में जॉज खुलते चले जाते हैं, उसके बीच में कोई चीज डालते हो और उसके बाद फिर स्क्रू को बंद कर देते हो। लेकिन क्या ये 1-to-1 मैपिंग नहीं है, इज इट नॉट, कि स्क्रू इतना घुमा है तो इतना ही इसी डिवीजन पे रुकेगा। ये 1-to-1 मैपिंग नहीं है, स्पेशली अगर थ्रेड्स के बीच में थोड़ा प्ले है, थ्रेड्स परफेक्टली फिटिंग नहीं है। समझ में आया बैकलैश एरर, समझ में आई बात की नहीं। खुद से ट्राई करना है तो कभी वाटर बॉटल का थोड़ा सा स्क्रू घुमा के ऊपर नीचे खटखट करके देख लो, देखा ही होगा कभी ना कभी, देखा होगा कि परफेक्टली वो फिट नहीं होता, थोड़ा बहुत खटखट करके, तो ये बैकलैश एरर। समझ में आई, नट बोल्ट अरेंजमेंट जहां पे भी होंगे वहां पे बैकलैश एरर होगी। तो बैकलैश एरर अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हो, स्क्रू को एक ही डायरेक्शन में घुमाओ, दो दो डायरेक्शन में घुमाओगे तो बैकलैश एरर आएगी। मतलब जैसे मान लो स्क्रू गेज है, ठीक है, तो ये थ्रेड या तो राइट की तरफ शिफ्ट होके चल सकते हैं या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होके चल सकते हैं। तो या तो प्रेस करके ही चलाओ, हमेशा लेफ्ट शिफ्टेड चलाओ, तो इनिशियल रीडिंग की लेफ्ट शिफ्टेड में ले रहे हो और फाइनल रीडिंग की लेफ्ट शिफ्टेड में ले रहे हो, तो बैकलैश एरर कम होगी। लेकिन मान लो इनिशियल रीडिंग राइट शिफ्टेड में ले लिया और बाद में फाइनल रीडिंग लेफ्ट शिफ्टेड में ले लिया तो फिर दिक्कत होगी। तो बैकलैश एरर कैन बी अवॉइडेड बाय रोटेटिंग द स्क्रू ओनली इन वन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ना घुमाओ, एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहो स्क्रू को शुरू, और दोनों ही रीडिंग्स मतलब वैसे ही लो, एक ही तरफ प्रेस्ड, स्क्रू को एक ही तरफ प्रेस करके लो दोनों रीडिंग्स। तो दैट्स हाउ यू कैन मिनिमाइज द बैकलैश एरर, ठीक है, ओके। और बैकलैश एरर क्या है, ये भी एक सिस्टमैटिक एरर भी है, एक रैंडम एरर भी है, मतलब सिस्टम जनरेटेड है। और बैकलैश एरर इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, स्क्रू लेफ्ट शिफ्टेड भी हो सकता है रीडिंग के टाइम पे, राइट शिफ्टेड भी हो सकता है, तो इसलिए ये रैंडम एरर है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा सो आई होप, यस सो आई होप दिस इज क्लियर। बैकलैश एरर सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी सिस्टमैटिक एरर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सोर्स जो है हमारा सिस्टमैटिक एरर का, तो नेक्स्ट जो है हमारा सोर्स ऑफ इम्परफेक्शन क्या है, सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर, दैट इज इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर किसी का लेना है, तो जनरली करेक्ट तरीका क्या होता है, हम टंग के नीचे रखते हैं थर्मामीटर को, करेक्ट टेम्परेचर बॉडी का चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या है, छोटे बच्चों को माउथ में नहीं देते थर्मामीटर, चबा दे चबा जाएगा, तो कई बार उसके बाजू में नीचे रख देते हैं, यहाँ पे देखा है बगल में भी रख के टेम्परेचर लेते हैं छोटे बच्चों का। तो उस केस में क्या होगा, अगर बाजू में रख के टेम्परेचर लोगे तो वो हमेशा लोअर आएगा, जो ट्रंक के नीचे टेम्परेचर हायर होगा, ठीक है नहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक। समझ गए कि नहीं, ठीक है। या कोई मेजरेबल चेंजेस है एक्सटर्नल कंडीशंस में, एक्सपेरिमेंट में, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, इससे भी सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। जो मेजरेबल अगर एनवायरनमेंट में कुछ चीज चेंजेस हो रही, मान लो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग आएगी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कुछ अलग आएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें टेम्परेचर अकाउंट में ले लिया तो फिर वो सिस्टमैटिक है। समझ गए कि नहीं, टेम्परेचर अगर नहीं लिया तुमने अकाउंट में तो वो तुम्हारी रैंडम एरर है, टेम्परेचर चेंज तुमने ले लिया अकाउंट में तो दैट बिकम्स अ सिस्टमैटिक एरर। समझ में आई बात कि नहीं। तो जनरली सिस्टमैटिक एरर्स का हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना है, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। उसके बाद फिर और किस तरह की एरर्स होती है, पर्सनल एरर्स होती है। पर्सनल एरर्स क्या है, पर्सनल एरर्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म सब लोग समझो, पैरालैक्स एरर क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझना। पैरालैक्स एरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरर टू अंडरस्टैंड, ऑप्टिक्स में अक्सर देखने को मिलती है। तो पैरालैक्स एरर क्या होता है, नॉर्मली क्या होगा, एक मेरे पास रीडिंग का स्केल होगा जिसके ऊपर एक प्लेन के अंदर मैंने एचिंग्स की होंगी, कट 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 करके एचिंग्स होंगी, और एक होगी उसके आगे सुई, सुई ऐसे करके ऐसे चल रही होगी, ठीक है नहीं। तो नॉर्मली तो क्या है, तुम देखते हो कि कौन सा मार्क इक्लिप्स हो गया, ठीक है, सुई जैसे इधर है तो इसके पीछे कौन सा मार्क है, इधर देखोगे तो इसके पीछे कौन सा मार्क है, इधर देखोगे। लेकिन क्या है, अगर सेम प्लेन में नहीं है ये दोनों चीजें, ठीक है, तो मैं अभी मेरे को दिख रहा है कि मेरी उंगली और ये जो मेरी ये स्केल की नीडल है, ये मेरे को अभी यहां से दिख रहा है कोइंसाइडिंग है, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे नहीं कोइंसाइडिंग दिख रही है, इज इट नॉट। तो दिस एरर इज पैरेलैक्स एरर। जब इधर से देखूंगा तो हो सकता है इधर कोई और एचिंग के साथ ही कोइंसाइडिंग दिख जाए, ठीक है नहीं। इसी तरह से मैं इधर से देखूंगा तो ये किसी और से कोइंसाइडिंग दिखेगी। तो इस तरह की एरर जो होती है इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स एरर, स्पेशली ऑप्टिक्स के कई एक्सपेरिमेंट्स में पैरेलैक्स एरर होती है। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट नीडल होती है, एक इमेज नीडल होती है, और हमें क्या करना होता है, कई एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट और इमेज को कोइंसाइड कराना होता है। तो बच्चे कई बार ध्यान से नहीं देखते, होगा क्या, ऑब्जेक्ट आगे होगा, इमेज पीछे होगी, और बच्चों को फिर लग सकता है कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन उस केस में कैसे पता लगाते हैं कि पैरालैक्स है या नहीं, तुमको जो चीज कोइंसाइड करती दिख रही है, मुंडी को राइट शिफ्ट करके देखो तब भी अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी तो राइट शिफ्ट करोगे मुंडी तो भी कोइंसाइडिंग दिखेगी, लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो भी कोइंसाइडिंग दिखेगी। अदरवाइज क्या है, अगर पैरालैक्स है,
इसी चीज को पैरालैक्स कहते हैं, सेम प्लेन में ना होना, यही पैरालैक्स है। ठीक है, अगर पैरालैक्स होगा तो जो चीज पीछे है, मुंडी राइट करोगे तो वो पीछे वाली चीज राइट में शिफ्टेड दिखेगी, और मुंडी लेफ्ट करोगे तो पीछे वाली चीज लेफ्ट शिफ्टेड दिखेगी। समझ में आ रही बात की नहीं? करके देख सकते हो सब लोग, अपना फिंगर को ऐसे आगे पीछे करके देख सकते हो। तो अगर जो पीछे वाली फिंगर है, मुंडी को राइट करोगे तो पीछे वाली फिंगर राइट शिफ्टेड दिखेगी, और मुंडी को लेफ्ट करोगे तो पीछे वाली फिंगर लेफ्ट शिफ्टेड दिखेगी। समझ गया कि नहीं? तो समझ में आया पैरालैक्स एरर क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट को किसी की आदत ही है कि एकदम सामने से नहीं पढ़ता, वो हमेशा मुंडी ऐसे करके देखता है रीडिंग, तो फिर क्या, उसको हमेशा गलत रीडिंग आएगी। समझ गए कि नहीं? तो वो भी एक तरह की सिस्टमैटिक एरर हो सकती है कि आदमी की आदत है मुंडी साइड में शिफ्ट करके रीडिंग लेता है हमेशा। ओके, और ठीक है, तो समझ में आया ना पैरालैक्स एरर क्या है? ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस और इम्प्रॉपरली सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट और रैंडमली चूजिंग अपर और लोअर मेनिस्कस इन ब्यूरेट, ये भी पर्सनल एरर हो सकती है। ब्यूरेट सब लोगों को मालूम है, केमिस्ट्री लैब में ब्यूरेट होती है, तो ब्यूरेट से हम केमिकल्स मेजर करते हैं। टाइट्रेशन तुम लोगों ने पक्का पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो टाइट्रेशन में क्या करते हैं, ब्यूरेट के अंदर तुमने भरा हुआ है कोई भी चीज, ठीक है, और फिर वो टप 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 करके टपकते जा रहा है, जैसे मान लो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही चल रहा है, तो एंड पॉइंट जब आता है तो तुम्हें पता है इंडिकेटर डालते हो, ठीक है ना, और फिर देखते हो कि कितना सॉल्यूशन लगा। तो उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट, ये ध्यान रखना हमेशा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स के लिए हमेशा लोअर मेनिस्कस हमें लेना होगा, क्योंकि कुछ तो सरफेस टेंशन होगा ना, सरफेस टेंशन होगा तो ऊपर मेनिस्कस बनेगा, राइट? दक्ष समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से एक मेनिस्कस बनेगा। तो मेनिस्कस जब बनेगा तो अब मेरे पास चॉइस है, मैं लोअर मेनिस्कस पढ़ूं या अपर मेनिस्कस पढ़ूं। तो कोई बच्चा कभी तो लोअर मेनिस्कस पढ़ लेता है, मान लो इनिशियल में लोअर मेनिस्कस पढ़ लिया और फाइनली जब ब्यूरेट खाली हुआ या कहीं पे पहुंचा तो अपर मेनिस्कस ले लिया, तो ऑब्वियसली उस मेनिस्कस की वजह से मिलीलीटर्स में डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो ये इस तरह से एरर हो सकती है। तो याद रखो, इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स के लिए हमेशा लोअर मेनिस्कस पढ़ा जाता है। लोअर मेनिस्कस में कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट जैसा दिखता है, वहां पे थोड़ा शाइनिंग सा दिखता है, तो इट्स इजियर टू रीड द लोअर मेनिस्कस फॉर ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स। और ओपेक लिक्विड्स में तो लोअर मेनिस्कस नजर ही नहीं आएगा तुमको सामने से देखोगे, तो ओपेक लिक्विड्स के लिए हमेशा अपर मेनिस्कस रीडिंग ली जाती है। समझ गए? ठीक है, और ये रैंडमली चेंज नहीं कर सकते, लोअर लिया तो फाइनल भी लोअर ही लेना है, अपर लिया तो फाइनल भी अपर लेना। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो पैरालैक्स एरर भी समझ में आ गया और ये मेनिस्कस वाली बात भी समझ में आ गई। ठीक है, ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी ने लिखा है, नारायणा के मॉड्यूल में जो लिखा, तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को इम्प्रूव करें, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इम्प्रूव करने का एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जैसे तुमको पता है कि हेनरी कैवेंडिश ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकाला था, कितना छोटा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी 6.67 × 10⁻¹⁻ होता है ऐसा यूनिट में, राइट? तो इतनी छोटी क्वांटिटी को एस्टिमेट जब करने चले, उसने क्या किया था, दो डंबल्स के अंदर वो देख रहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कितना डिफ्लेक्शन होता है इस तरह से। तो वो भी डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि बहुत मतलब मे बी 100th of a degree और इवन लेस देन दैट, बहुत छोटा सा डिफ्लेक्शन मेजर करना है एंगल का। तो उसने क्या किया, उस तार के ऊपर एक तो मिरर फिक्स किया, उसके ऊपर लाइट डाली, तो अब ये छोटे से एंगल से भी घूमेगा तो लाइट बीम का जो स्पॉट होगा वो ज्यादा चला जाएगा, इज इट नॉट? तो मैग्नीफाई कर लिया उसको। उसके बाद उसने क्या देखा कि इंस्ट्रूमेंट उसका इतना सेंसिटिव था कि काफी दूर से अगर कोई व्हीकल भी जा रहा था तो उसकी वाइब्रेशन से उसका अच्छा खासा सेटअप हिल जाता था। तो फिर उसने मतलब रिमोट फ्रॉम ऑल द वाइब्रेशंस, और ऐसे टाइम पे एक्सपेरिमेंट करो कि जब वाइब्रेशंस नहीं, समझ गए कि नहीं? तो ये मतलब है हम लोगों का इंप्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है, और फाइन हम एडजस्टमेंट कर सकें। या माइकलसन मोरली का एक्सपेरिमेंट था, उसमें वो पता लगा रहे थे, एक्चुअली एक टाइम पे क्या मानते थे कि स्पेस कुछ है, स्पेस को ईथर माना जाता था, जैसे साउंड बोलते हैं हम, तो साउंड बोलते हैं कि विंड के रिलेटिव चलती है, ऐसे माना जाता था कि लाइट जो है स्पेस में एक मीडियम है, ईथर के रिलेटिव चलती है। तो वो एक्सपेरिमेंट में क्या था, माना कि अगर अर्थ जो चल रही है तो अर्थ ईथर के रिलेटिव चल रही है, जैसे रिवर बोट में चल, आई मीन बोट रिवर में चलती है, ऐसे अर्थ जो है ईथर के रिलेटिव जा रही है। तो अभी रिवर बोट प्रॉब्लम में देखो, बोट को ऐसे सीधे ले जाओगे और पीछे लेके आओगे, परपेंडिकुलर क्रॉसिंग में कुछ टाइम डिफरेंस आएगा, और इधर लेके जाओगे और वापस लेके आओगे अलोंग द रिवर एंड अगेंस्ट द रिवर, तो फिर कुछ टाइम डिफरेंस। तो इन दोनों का टाइम डिफरेंस निकाल के हम रिवर की वेलोसिटी पता कर सकते हैं, इज इट नॉट? रिवर की मतलब परपेंडिकुलर क्रॉसिंग एंड कमिंग बैक में जितना टाइम लग रहा है और एस डिस्टेंस आगे और पीछे में जितना टाइम लग रहा है, इनके डिफरेंस को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि रिवर की वेलोसिटी कितनी है, इज इट नॉट? तो ऐसे ही सोचते थे कि लाइट जो है ये स्पेस में चलती है, और स्पेस कोई ईथर है, जैसे पानी का मीडियम जैसे है, इस तरह से ईथर कोई मीडियम है जिसके रिलेटिव लाइट चलती है। तो क्या सोचा माइकलसन मोरली ने, कि मैं क्या करूं कि
एक बार जो है जैसे अर्थ इस तरफ चल रही है हमारी, तो अर्थ तो रिवर मेरी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है अर्थ के रिलेटिव अगर हम देखें तो, इज इट नॉट? अर्थ के फ्रेम में अगर हम देखें तो ईथर जो पीछे की तरफ जा रहा होगा, अगर स्पेस को ईथर मानते हैं तो क्या करो, एक बार लाइट की बीम को सामने ले जाके ऐसे रिफ्लेक्ट कराओ तो कुछ रिटर्न का टाइम लगेगा, इज इट नॉट? फिर उसके बाद क्या करो, अर्थ जिस तरफ चल रही है उस डायरेक्शन में लाइट को आगे भेज के वापस लौटा के लाओ, फिर कुछ टाइम लगेगा। तो उससे उन्होंने सोचा कि हम पता लगा लेंगे कि ईथर की क्या है, ये स्पीड कितनी है। लेकिन टू दियर सरप्राइज एंड शॉक, उनको सेम टाइम आ गया, इधर से क्रॉस जाने का भी टाइम सेम आ गया, उधर से वापस लौटने का टाइम भी सेम आ गया। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन नहीं निकाला कि इधर की थ्योरी गलत है, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक अच्छी नहीं है, तो हमको पता नहीं चल पाया। तो उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, डिस्टेंस को और मैग्नीफाई करोगे तो टाइम और मैग्नीफाइड आएगा, इज इट नॉट? तो कई लाखों गुना है उस डिस्टेंस को बढ़ा के एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया और अभी तक कोई डिफरेंस नहीं निकला। तो इससे ये समझ में आया कि ईथर ईथर कुछ नहीं है, बोगस थ्योरी ईथर, ठीक है? और क्या कहते हैं, ये बस यही है कि मैग्नीफाई करके कॉन्फिडेंस आया। माइकलसन मोरली को कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि उनको लगा उनका एक्सपेरिमेंट ठीक से किया नहीं उन्होंने, समझ में आई बात की नहीं? तो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, समझ गया कि नहीं? ओके, तो यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया वर्नियर कैलिपर्स वर्सेस रूलर, तो वर्नियर कैलिपर से ज्यादा अच्छा मिलेगा एस्टिमेट। फिर अप्लाइंग अप्रोप्रिएट करेक्शन बाय एस्टिमेटिंग सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है? तो पहले से एस्टिमेट कर लें, टेम्परेचर चेंज हुआ तो टेम्परेचर भी मेजर कर लें, विंड वेलोसिटी से फर्क पड़ रहा है तो विंड वेलोसिटी भी मेजर कर लें और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें अकाउंट में लेके, ठीक है? तो थर्मल एक्सपेंशन हुआ तो उसको अकाउंट में ले लिया, प्रेशर चेंज हुआ तो उसको अकाउंट में ले लिया, तो उसके हिसाब से हम करेक्शन लगा के एडजस्टेड वैल्यूज निकाल सकते हैं, समझ गए, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं रैंडम एरर्स की। तो रैंडम एरर्स किस तरह की होती हैं? एरर्स विच आर इररेगुलर विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड और साइज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स, जिनका पता नहीं किस डायरेक्शन में होने वाली है, ठीक है, और कितनी होने वाली है, वो हमारी रैंडम एरर्स हैं, जिसका कोई कैप हमको मालूम नहीं है, ठीक है, और डायरेक्शन भी नहीं पता हायर साइड पे लोअर साइड पे। दे कैन अराइज ड्यू टू रैंडम अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे तुमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पता चला पीछे से जो सप्लाई की वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर गई, कई बार होता है ना, पावर स्टेशन से आती है ऊपर नीचे वोल्टेज हो जाती है, नॉट सो मच इन मुंबई, बट ये मतलब छोटे शहरों में ये देखने को मिलता है कई बार, वोल्टेज 220 की जगह कभी 230 आ रही है, कभी 190 आ रही है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है? तो फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, टेम्परेचर, मैकेनिकल वाइब्रेशन हो रही है, जैसे मैंने कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट बताया था, तो इस सबसे जो है हमारी रैंडम एरर्स आ सकती हैं, या कुछ पर्सनल एरर है, कभी लेफ्ट साइड पे देख लिया, कभी मुंडी राइट साइड करके देख लिया, पैरालैक्स एरर भी कभी रैंडम हो सकती है, समझ गया कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स कैन बी जनरली रिड्यूस बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन टेकिंग द एवरेजेस, क्योंकि रैंडम एरर जो हायर साइड और लोअर साइड पे होने का लाइक्लीहुड बराबर है, तो इसलिए बार बार अगर करोगे तो उसकी एवरेज जो इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, समझ गया कि नहीं? तो नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन टेकिंग द एवरेज, तो रैंडम एरर रिड्यूसेस विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड नारायणा मॉड्यूल में जिस तरह से लिखा कि 1/n के प्रोपोर्शनल, अगर n रीडिंग्स लिए तो रैंडम एरर जो तुम्हारी 1/n के प्रोपोर्शनल होती है। बाकी इंजीनियरिंग में तुम लोग एरर एस्टिमेट जो करते हो और जेई के पर्पज से जो एरर एस्टिमेट करते हो, इसमें अच्छा खासा डिफरेंस होता है। वहां पे हम क्या चीज यूज करते हैं, दिस समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इंजीनियरिंग में जब कैलकुलेशंस करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एरर में कॉन्फिडेंस परसेंटेज के टर्म्स में लिखा जाता है कि इतना परसेंट चांस है कि इससे इसके बीच में ट्रू वैल्यू, इतना परसेंट चांस है कि इससे इसके बीच में, ठीक है? लेकिन जेई पर्पजेस से हम दूसरी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे और विल स्टिक टू द जेई मेथड। वहां पे एरर की जगह अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया जाता है। अनसर्टेनिटी होता है कि जैसे तुम कुछ चीज रिपोर्ट कर रहे हो तो बोलोगे साथ में कि 66.67% चांस है कि इससे इतने इतने के बीच में होना चाहिए, एंड 99.99% चांस है कि इतने से इतने के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है? तो दिस इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू हैंडलिंग द अनसर्टेनिटी, समझ गए, ठीक है? तो इसमें 1/n हम लोग मान के चलते हैं कि 1/n के प्रोपोर्शन होगा जो एरर है, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर, ठीक है? तो लीस्ट काउंट एरर मैंने बताया था ये किस तरह की एरर है, सिस्टमैटिक है या रैंडम है, दोनों है। लीस्ट काउंट एरर सिस्टमैटिक भी है और रैंडम भी है। सिस्टमैटिक इसलिए क्योंकि वो लीस्ट काउंट जो है सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, मेजरिंग सिस्टम के ऊपर ही, ठीक है ना? और रैंडम क्यों है, क्योंकि वो हायर साइड पे भी हो सकती है, लोअर साइड पे भी हो सकती है, जब रिपोर्ट की गई वैल्यू, ठीक है? तो नो इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अ कंटीन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स, बट इट कैन ओनली प्रोवाइड इट्स एस्टिमेट विद इन सर्टेन लिमिट्स, दैट इज राउंडेड ऑफ टू फर्स्ट डेसिमल और चेंजिंग इन द स्टेप्स ऑफ 0.5 mm। जनरली क्या होता है, फर्स्ट डेसिमल की जगह मतलब लास्ट डिजिट बोलता तो ज्यादा अच्छा होता, तो राउंडेड, तो जैसे 0.5 mm है तो ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंडेड ऑफ ही है, इज इट नॉट? अगर मान लो लीस्ट काउंट मेरा 0.5 है, ठीक है?
The error occurring due to the resolution of instrument is called least count error. It is considered both systematic and random because its magnitude is limited, but sign is arbitrary in general. ठीक है, the least count error is measured in a measured value is reported as a plus minus delta a. कुछ भी आ रही है तो एक main reading and plus minus error, where delta a is the least count of the instrument. तो हमेशा हम plus minus least count के बराबर लिखते हैं, ठीक है? Okay. इसके अलावा there is also something called gross error. Gross error तो क्या होती है? यानी ब्लंडर ही बोलेंगे जिसको कि 10^2 की जगह 10^3 लिख लिया, ठीक है? नहीं तो ये ग्रॉस एरर बहुत ही बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है? नहीं ठीक है, जैसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे वॉट के पेपर में तुम लोगों से, ठीक है? नहीं तो दैट वुड बी अ ग्रॉस एरर, समझ गए कि नहीं? कुछ का कुछ पढ़ लिया, कुछ का कुछ लिख लिया, 5 की जगह 7 लिख लिया, ठीक है? तो दैट्स अ ग्रॉस एरर, ठीक है? एन एरर अकरिंग ड्यू टू द मेजर केयरलेसनेस सच एज अ मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग और रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी कॉल्ड अ ग्रॉस एरर. A gross error can't be adjusted by applying any correction factor. उसके अंदर कोई correction factor नहीं लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो इसीलिए तो gross है वो. समझ गए कि नहीं? ठीक है? Okay. कोई discussion point है इसमें? इसके बाद हम लोग बात करते हैं absolute error, relative error and percentage error. ये क्या होती है? तो तुम क्या कहीं कभी भी सिंगल रीडिंग तो नहीं लेते हो, नॉर्मली हमेशा मल्टीपल रीडिंग्स लेते हो. मान लो कोई चौक का डायमीटर एस्टिमेट कर रहे हो वर्नियर से, तो अलग अलग तरह से घुमा घुमा के चौक को अलग अलग डायरेक्शन से उसकी रीडिंग्स लोगे, ठीक है? नहीं तो मान लो मैंने इंस्ट्रूमेंट से बार बार रीडिंग्स ली, तो A1, A2, A3 एटसेट्रा करके AN मेरे किसी फिजिकल क्वांटिटी A के मेजरमेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है? अंडर रिपीटेड ट्रायल्स तो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है हम जिसको रिपोर्ट करते हैं वो क्या होता है? इन सबका एवरेज रिपोर्ट करते हैं. तो ए मीन क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN होल थिंग डिवाइडेड बाय N, ये हम रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है? अब इसके अंदर एरर एस्टिमेट कैसे करते हैं ये बहुत बहुत ध्यान से सुनो. एरर एस्टिमेट कैसे रिपोर्ट करेंगे मल्टीपल रीडिंग्स के सेट में? हाउ टू फाइंड द एरर एस्टिमेट? तो एक तो है भाई सिंगल रीडिंग ली तो प्लस माइनस लीस्ट काउंट बोल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स ली तो फिर क्या कहेंगे? तो अभी हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? ये तो समझ में आया ना, मीन वैल्यू कैसे निकालने का, सिंपल सी बात है. तो बाय द वे ये एवरेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जितना ओवर एस्टिमेट करने का लाइकलीहुड है उतना ही अंडर एस्टिमेट करने का लाइकलीहुड है रैंडम एरर में. तो इसलिए क्या है, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे रैंडम एरर्स जब कई रीडिंग्स लोगे, ठीक है? अच्छा, अभी एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इंडिविजुअल रीडिंग्स में एरर्स निकालोगे. जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो तो मीन वैल्यू निकाल ली ना. अब इंडिविजुअल रीडिंग में से, जैसे फर्स्ट रीडिंग थी A1 में से मीन वैल्यू सबट्रैक्ट करोगे तो ये कुछ डेल्टा A1 आएगा तुम्हारा, ठीक है? इसको हमने डेल्टा A1 बोला. ऐसे ही सेकेंड जो रीडिंग आई थी उसमें से मीन वैल्यू सबट्रैक्ट की, ये मेरा A2 हुआ, डेल्टा A2 हुआ. इसी तरह से सारी इंडिविजुअल रीडिंग्स में हम डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ये सब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जितने भी मेरे पास डेविएशन आए हैं एवरेज वैल्यू से, इन सारे डेविएशन का मॉड लेके ऐड करेंगे, और उनके मॉड लेके ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसका फिर से एवरेज निकालेंगे. तो उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारी एरर है. ये जो मेजर्ड वैल्यू मैंने लिखी है ना ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन लिखोगे ना, तो वो डेल्टा ए मीन क्या है, ये सारी इंडिविजुअल एरर्स जो है हमारी इंडिविजुअल मेजरमेंट्स की एरर्स का मॉड लेके एवरेज लिया और वो प्लस माइनस करके लिख दिया, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइंड है? सिग्मा डेल्टा ए आई मॉड डिवाइडेड बाय एन. ये समझ में आया ना, डेल्टा ए आई कैसे निकलेगा? एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा. एक एवरेज निकाल लिया, फिर इंडिविजुअल रीडिंग में से उस एवरेज को माइनस कर करके जो वैल्यूज आ रही है सबका मॉड लेते चले गए, और उस मॉड वैल्यूज का सब फिर से एवरेज ले लिया. तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज टेकन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? मैथमेटिकली ये हो गया हमारा. और डेल्टा ए आई इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 माइनस ए मीन, A2 माइनस ए मीन एटसेट्रा, समझ गए? ठीक है. तो उसके बाद फिर ट्रू वैल्यू मेजरमेंट की कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, तो दैट इज लाइकली टू बी बिटवीन ए मीन एंड प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. तो इससे हमें थोड़ा सा एरर एस्टिमेट भी मिल जाता है, समझ गए? ठीक है. एंड दिस इज एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ रिपोर्टिंग द साइंटिफिक मेजरमेंट फॉर मेनी पर्पजेस, ठीक है? बाकी मैंने जैसे बोला था कि पर्पज पे डिपेंड करता है. जनरली केमिस्ट्री लैब की कैलकुलेशन या फिजिक्स लैब के अंदर स्कूल कैलकुलेशन के लिए ठीक है, इट इज ओके. बट ऑब्वियसली रॉकेट लॉन्च करना है तो उसके लिए और अच्छे तरीके होने चाहिए एरर्स वगैरह रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक उसके लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इज इट नॉट? बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन करो, ये सब चीज में, तो बहुत ही केयरफुली, बहुत साइंटिफिक तरीके से, और देयर एग्जिस्ट सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ रिपोर्टिंग द एरर्स, ठीक है? अब जैसे कहां पे हम लोग एफर्ट कर सकते, कहां नहीं एफर्ट कर सकते, टैन थीटा मेजर करने वाले हो लेटर से, थीटा मेजर करके टैन थीटा निकालने वाले हो,
तो थीटा तुम्हारा 45 डिग्री के आसपास है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थीटा तुम्हारा 89 डिग्री के आसपास है, तब फिर टैन थीटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएंगे, थीटा में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गया तो, इज इट नॉट? तो ये हमें देखना पड़ता है कि कितना प्रीमियम एसोसिएटेड है किसी मेजरमेंट के साथ में, समझ गया कि नहीं? तो देयर एग्जिस्ट मोर सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने बताया था इंजीनियरिंग या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है? तो ये अभी समझ में आया ना, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो मैंने यही लिखा, डिपेंडिंग ऑन पर्पस देयर एग्जिस्ट अदर मोर सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ स्पेसिफाइंग अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इन मेजरमेंट्स, बट फॉर जेई पर्पस वी आर हैप्पी विद द मेथड प्रेजेंटेड हियर, ठीक है? ओके, रिलेटिव एरर क्या है हमारा, या फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये जो है हमारा ये फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा, ठीक है? और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया, क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर आ गया। तो समझ में आया, ये एकदम क्लियर हो सभी को, ठीक है? तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, इनफैक्ट आई हैव टू एग्जांपल्स, ऊपर वाले एग्जांपल मैं बाद में कराता हूँ, पहले नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं क्योंकि इसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकंड्स, ठीक है? कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो यहां पे मैं बोलूंगा जैसे एनसीईआरटी ने किया बिल्कुल वैसे ही तुम्हें कैलकुलेट करना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, ध्यान रखना जिस तरह से एनसीईआरटी ने कैलकुलेट किया एग्जैक्टली उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, फर्दर एक्स्ट्रा लॉजिक लगा दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो तरीका देखो कैलकुलेशन का, और हर स्टेप पे देखो कि क्या किया एनसीईआरटी ने। यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मीन टाइम निकालना है, ठीक है? तो सारी इंडिविजुअल रीडिंग्स को 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी थे इन सबको एड कर दिया और डिवाइड कर दिया 5 से, 5 रीडिंग्स थी इसलिए 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 13.12 डिवाइड बाय 5 आता है, जो कि कैलकुलेटर से निकालोगे तो 2.624 सेकंड आता है। अब अलर्ट, क्योंकि हर एक रीडिंग मेरी 2 डेसिमल प्लेसेस तक थी, तो यहीं पे राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको कर देना, ठीक है? ध्यान रखना कितने जो इंडिविजुअल रीडिंग्स जितने डेसिमल प्लेसेस तक है उतने ही प्लेसेस तक मीन को राउंड ऑफ करना, ठीक है? यहां पे 2.624 लिख दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है? इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? जितने डेसिमल प्लेसेस तक इंडिविजुअल रीडिंग से उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक हमको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे समझ में आया, राउंड ऑफ टू द लीस्ट काउंट, ओके? क्योंकि ऑल पीरियड्स आर मेजर्ड टू अ रेजोल्यूशन ऑफ 0.01 सेकंड, टी मीन आल्सो रिपोर्टेड टू द सेकंड डेसिमल प्लेस, इसलिए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, हम इंडिविजुअल एरर्स निकालेंगे मेजरमेंट्स में, इंडिविजुअल एरर्स। तो डेल्टा T1 क्या होगा, 2.63 माइनस जो भी हमने एवरेज निकाला 2.62, ठीक है? यहाँ पे जो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है वो सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर भी देख रहे हो 2.624 मत सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे जो राउंड ऑफ करके आया उसी को सब्ट्रैक्ट करें इंडिविजुअल रीडिंग्स में। तो 0.01 सेकंड आया, फिर इधर 0.0 -0.06 एटसेट्रा, ये सब वैल्यूज हमने निकाल ली, समझ के? अब क्या करना है, इन सबका मॉड लिया, ठीक है? माइनस के साथ नहीं ऐड कर देना, इन सबका मॉड लोगे फिर एवरेज लोगे। तो मॉड लेके एवरेज निकाला तो वापस जो है ये जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आए हमको 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 0.11 सेकंड, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं आएगा लेकिन अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है? ओके, तो द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम मस्ट बी रिपोर्टेड एज, हमारे पास क्या आया, टी मीन आया मेरा 2.62 सेकंड्स और डेल्टा टी मीन कितना आया 0.11 सेकंड। तो हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे, 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकंड। समझ में आ गया मेथड सभी को? तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में यही मेथड हमें फॉलो करना है, मेजॉरिटी। अभी मेजॉरिटी क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बोलता हूँ। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि ये करेक्ट है, ठीक है? लेकिन इसके बाद एनसीईआरटी बोलता है कुछ चीज मोर करेक्ट है, ठीक है? एक चीज करेक्ट है और एक चीज मोर करेक्ट है। तो अभी ध्यान देना, जेई के पर्पज से ज्यादातर जगह मोर करेक्ट नहीं करना है, हमें करेक्ट ही करना है, ठीक है? हाँ, करेक्ट और मोर करेक्ट दोनों कभी कभी ऑप्शन में होंगे तो फिर उस केस में मल्टी करेक्ट हो सकता है, ठीक है? यानी लेकिन जनरली हाँ, डोंट लुक फॉर मोर करेक्ट। मोर करेक्ट जो है मतलब ठीक है, मालूम होना चाहिए मोर करेक्ट क्या है, लेकिन ज्यादातर जगह हम लोग सिर्फ करेक्ट से खुश हो जाते हैं हम लोग, ठीक है? मोर करेक्ट पे नहीं जाते हैं। तो मोर करेक्ट क्या बोलता है, अभी ध्यान से सुनो, मोर करेक्ट क्या है, तो ये जो टाइम पीरियड है अगर ये एरर लिमिट्स लगा दोगे तो 2.62 प्लस 0.11 करोगे तो ये 2.73 हो जाएगा, ठीक है? और माइनस 0.1 करोगे तो 2.51 हो जाएगा, ठीक है? तो अभी एनसीईआरटी क्या बोलता है कि यहां पे 10th प्लेस में ही तुम देखो 5 से 7 हो जा रहा है। क्या बोलता है एनसीईआरटी कि जो 10th का प्लेस है उसके अंदर ही एरर है हमारी, वो डिजिट 5 से 7 हो जा रही है, इज इट नॉट? 5 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी, सिंस द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर वाज 0.11 सेकंड, देयर इज ऑलरेडी एन एरर इन 10th ऑफ अ सेकंड।
टेंथ ऑफ अ सेकेंड में ऑलरेडी एरर है, सो देर इज नो पॉइंट इन रिपोर्टिंग द रिजल्ट टू अ हंड्रेड, टेंथ प्लेस तक एरर है तो हंड्रेड तक रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। तो इसलिए मोर करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस इज टी इज इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी, ये मोर करेक्ट वे। तो समझ में आया मोर करेक्ट वे कैसे है, माने अगर अगर टेंथ प्लेस में एरर है ऑलरेडी तो हंड्रेड तक एरर को नहीं रिपोर्ट करता, ये एनसीईआरटी इस तरह से बोलता है, ठीक है नहीं। तो इसको भी मतलब बस एज इट इज एक्सेप्ट करना है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, करेक्ट ही विल बी राइटिंग जस्ट द करेक्ट, ज्यादातर क्वेश्चंस बनेंगे भी ऐसे 99% क्वेश्चन में दे विल बी गिविंग करेक्ट रीडिंग ओनली एज द ऑप्शन। तो समझ में आया ये सभी को। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल है स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी, क्या एग्जांपल है हमारे पास, दो क्लॉक्स हैं विच आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन अ नेशनल लैब। तो 12 बजे हमने स्टैंडर्ड क्लॉक के अगेंस्ट इन क्लॉक्स को देखा है कि ये क्या क्या रीडिंग देती है। तो क्लॉक वन क्या रीडिंग दे रही है, जब जब एग्जैक्टली 12 बजे तो एक क्लॉक एक दिन मंडे को क्या है 12 ऐसे दिखा रही है 12, ये दे रखी है रीडिंग्स, ठीक है इंडिविजुअल रीडिंग्स दे रखी है। तो ये वाली क्लॉक की अलग अलग रीडिंग्स दे रखी है हमको, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरी क्लॉक है वो ऐसे करके ऐसे ये रीडिंग्स दे रही है, जब 12 बजे वो स्टैंडर्ड क्लॉक में तब ये सारी रीडिंग्स दे रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें प्रिसीजन टाइम इंटरवल्स चाहिए, हमें टाइम इंटरवल्स हमारे प्रिसाइज होने चाहिए यानी एक्यूरेट होने चाहिए प्रिसीजन, तो फिर इनमें से कौन सी क्लॉक हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखने से तो ये लग रहा है कि यार 12 बज रहा है तो 12 बजे के आसपास का टाइम ये दे रहा है, लेकिन अगर तुम स्प्रेड पे फोकस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसके अंदर स्प्रेड ऑफ रीडिंग्स छोटा है, यानी ये सारी रीडिंग्स आपस में क्लोज बाय हैं एज कम्पेयर टू इसके, इसमें स्प्रेड ज्यादा है इसमें स्प्रेड कम है। तो टाइम इंटरवल तुम्हें मेजर करना है तो फर्क नहीं पड़ता कि एब्सोल्यूट टाइम क्या दिखा रहा है, यानी मान लो 5 मिनट का इंटरवल है तो एक क्लॉक 10 बजे दिखा रही है और 10 बज के 5 मिनट दिखा रही है, दूसरी क्लॉक 12 बजे दिखा रही है और 12 बज के 5 मिनट दिखा रही है, तो इंटरवल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, बात समझ आएगी नहीं। तो इसलिए जब प्रिसीजन टाइम इंटरवल चाहिए तुमको तो तुम कौन सी क्लॉक चूज करोगे जिसका स्प्रेड छोटा है। तो इसमें क्या है क्लॉक टू इट टर्न्स आउट इसका स्प्रेड छोटा है, देखो लिखा क्या है, फॉर क्लॉक वन रेंज ऑफ वेरिएशन इन 7 डेज इज 162 सेकंड, इसमें कैलकुलेट करोगे हाईएस्ट और लोएस्ट तो उसका डिफरेंस जो है हमारा 162 सेकंड आएगा, ठीक है। वेयर एज ओनली 32 सेकंड फॉर द सेकंड क्लॉक, दस फर्स्ट क्लॉक हैज मोर टेंडेंसी ऑफ रैंडम एरर, पहली क्लॉक में रैंडम एरर ज्यादा है, तो प्रिसीजन टाइम इंटरवल्स मेजर करने के लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है। इवन दो इट हैज स्मॉलर जीरो एरर, हाउएवर टू मेजर टाइम इंटरवल्स वी सबट्रैक्ट द इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम द फाइनल, सो जीरो एरर डज नॉट मैटर इन दिस केस, ठीक है। फॉर मेजरिंग टाइम इंटरवल्स सेकंड क्लॉक इज प्रेफरेबल ड्यू टू द स्मॉलर टेंडेंसी ऑफ रैंडम एरर्स, क्लियर हो गया ये एग्जांपल सभी को, समझ में आया। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्लॉक वन जो है हमारी वो एक्यूरेट है लेकिन क्लॉक टू मेरी प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसीजन कई ज्यादातर जगह पे हमको प्रिसीजन जरूरत होती है, एक्सपेरिमेंट्स में हम अक्सर इंटरवल्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये रीडिंग माइनस रीडिंग की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, सो वी विल प्रेफर द मोर प्रिसाइज क्लॉक, ओके। अच्छा इसी के अंदर करेक्ट और मोर करेक्ट में थोड़ा सा मेरे को एक डिस्कशन बाकी रह गया था इसके अंदर, अभी ये जो अभी प्रॉब्लम की ना हमने क्लॉक के पेंडुलम के टाइम पीरियड्स की, तो इसमें रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर भी निकालना था। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगी, ये 0.1 डिवाइड बाय 2.6 ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है। तो 0.038 है, इसको 0.04 करके लिख दिया हमने। परसेंटेज एरर में इसी को क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। परसेंटेज एरर को अक्सर फर्स्ट या यानी विदाउट डेसिमल यानी फर्स्ट डेसिमल तक अक्सर रिपोर्ट करते परसेंटेज एरर जो होती है, ठीक है। तो ये 4% हमारा परसेंटेज एरर आ गया। तो समटाइम्स परसेंटेज एरर इज राउंडेड ऑफ टू हायर वैल्यू, सो यू मे हैव टू मार्क द नियरेस्ट बेस्ट मैचिंग ऑप्शन रादर देन लुकिंग फॉर एग्जैक्ट मैच। Most of the times it is better to report percent error on the higher side. मतलब जैसे options कई बार तुम देखोगे तुम्हारा calculate करके आया 2.8%, JEE के कई questions ऐसे हैं जिसमें 2.8% का option ही नहीं मिलेगा तुम्हें, तो उसमें 3% दिया तो फिर 3% mark कर दोगे तुम, ठीक है। तो कई बार percentage error जो है हम higher side पे round off करके बोलेंगे जो भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि errors का propagation कैसे होता है, जब हम चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर्स के अंदर हम किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। तो देखो हमारा जो भी मेजरमेंट सिस्टम से जो एरर आता है वो प्लस और माइनस दोनों साइड पे डेविएशन हो सकता है, इज इट नॉट, हमेशा प्लस माइनस समथिंग लिखते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास दो रीडिंग्स हैं, लेट अस से पहली रीडिंग भी 1.8 प्लस माइनस 0.1 है, दूसरी रीडिंग भी 1.8 प्लस माइनस 0.1 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या मैं जीरो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि हो सकता है पहली रीडिंग में हायर साइड पे एरर हो दूसरी रीडिंग में लोअर साइड पे एरर हो, इज इट नॉट। तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो एरर्स मुझे ऐड ही करनी पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जब मैं 1.8 प्लस माइनस 0.1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो 1.9 से 1.7 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इज इट नॉट। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो पहली रीडिंग हायर साइड पे
1.9 हो जाएगी, दूसरी रीडिंग लोअर साइड पे तो 1.7 हो जाएगी, तो उस केस में क्या डिफरेंस इनका 0.2 हो जाएगा, इज इट नॉट? तो क्या लिखना पड़ेगा, 0 प्लस माइनस 0.2 लिखना पड़ेगा, समझ में आई बात की नहीं? तो जब सब्ट्रैक्ट भी करना है एक्सप्रेशन को तो भी एरर वाला जो पार्ट है वो एड ही होता है, ठीक है? तो क्या लिखा हमने, लेट ए एंड बी बी टू फिजिकल क्वांटिटीज विद मेजर्ड वैल्यूज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और मेरे को नई फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? तो एडिशन में जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, समझ गए? एरर पार्ट एडिशन में तो एड हो रहा है, सब्ट्रैक्शन में भी इंस्टेड जेड इक्वल टू ए माइनस बी, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वंस अगेन मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड इज डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ध्यान रखना, एंड नॉट डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करते हुए, ठीक है? सिंस द एरर ऑन ए कुड बी पॉजिटिव एंड एरर इन बी कुड बी नेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल 2.1 प्लस माइनस 0.1 माइनस 1.1 प्लस माइनस 0.1, तो इसको क्या रिपोर्ट करोगे, 1.0 प्लस माइनस 0.2 रिपोर्ट करेंगे, समझ में आई बात? रीजन भी समझ में आ रहा है ना, लॉजिक, ठीक है? सिंस द वैल्यू कुड रेंज फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2.2 माइनस 1 टू 2 माइनस 1.2, यानी 1.2 से 0.8 के बीच में ये रेंज कर सकता है, इसलिए 1 प्लस माइनस 0.2 लिखना ही ठीक है इसको, समझ गए? क्लियर है? ओके, दस इवन इन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस डेल्टा जेड इज प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, एरर्स आर नॉट सब्ट्रैक्टेड इवन इन अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन मेजरमेंट्स, दे आर स्टिल एडेड व्हेन टू, तो रूल क्या है हमारा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ठीक है? ओके, क्लियर है? अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, ठीक है? तो क्या है, टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मामीटर आर 20 प्लस माइनस 0.5 एंड 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखें, और टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है और उसमें एरर निकालनी है। तो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए तो जो मेन पार्ट है इसका 20 और 50, इसका सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो ये तो 30 आ जाएगा, इज इट नॉट? 50 माइनस 20 30 हो जाएगा, और एरर पार्ट में क्या, इसमें 0.5 की एरर है, इसमें 0.5 की एरर है, तो सब्ट्रैक्शन में कितनी एरर हो जाएगी, 1.0 की एरर हो जाएगी, तो इसलिए हमने लिखा 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस हमारा ये आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट या क्वेश्चेंट में कैसे एरर रिपोर्ट की जाती है। प्रोडक्ट या क्वेश्चेंट है तो कैसे रिपोर्ट करते हैं एरर, तो मान लो जेड मेरा ए इंटू बी है, ठीक है? तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट? अब इसमें क्या करते हैं, ए बी को कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए बी को कॉमन ले लेते हैं। अब इसको एक्सपैंड करोगे तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब जनरली क्या होता है, एरर पार्ट जो होता है मेन वैल्यू के मुकाबले काफी स्मॉल होता है, तो इसका मतलब क्या, ये तो मेरा सेकंड ऑर्डर टर्म है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी वाला, तो सेकंड ऑर्डर टर्म को अक्सर हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है? अनलेस तुम्हारी वैल्यू ऐसी कि 50 प्लस माइनस 75, उस केस में दैट यू कैन नॉट इग्नोर दैट 75, इज इट नॉट? हाँ, 50 प्लस माइनस 0.075 है तो यू कैन, समझ में आई बात कि नहीं? तो 2ab वाला पार्ट नेगलिजिबल आएगा, लेकिन समझ गए कि नहीं? तो ज्यादातर मेजरमेंट्स में इस तरह से नहीं पता चलता कि 50 प्लस माइनस 75 इस टाइप की रीडिंग्स नहीं होती है नॉर्मली, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो उस केस में इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ए बी को साइड ले जाओ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आएगा, और इसको इग्नोर कर देंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, समझ गए? तो क्या हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में हमारा फ्रैक्शनल एरर्स जो है, रिलेटिव एरर्स जो है वो ऐड हो जाती है, समझ गए? रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हमारी ऐड हो जाती है एडिशन और डिवीजन में, दस इन प्रोडक्ट रिलेटिव एरर्स गेट एडेड अप। इसी तरह से इसी टेक्निक से हम ये अप्रोच, इनफैक्ट एनसीईआरटी ये वाला अप्रोच लगाता है जहां पे प्लस माइनस डेल्टा ए लिखता है, बाकी हम चाहें तो लॉग लेके डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जनरली जो इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा उसमें लॉग लेके डिफरेंशिएट करने वाला ही ज्यादातर यूज करते हैं, तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, जेड मेरा ए बी के बराबर है तो लॉग जेड क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, ठीक है? अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो डी जेड बाई जेड आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, समझ में आया? लॉग लेके डिफरेंशिएट करने वाला टेक्निक, तो बस, तो डी जेड बाई जेड, अब d को हमने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? छोटी वैल्यूज है तो जो रिलेशन d में होल्ड कर रहा है वैसा ही ऑलमोस्ट डेल्टा में होल्ड करेगा, सेकंड ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, तो वही वैल्यू आ गया ना हमारे पास, वही आ गया, डेल्टा z बाय z इज डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसी तरह से z अगर a अपॉन b हो गया तो log z क्या हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा,
तो डी जेड बाई जेड क्या होगा, डी ए बाई ए माइनस डी बी बाई बी, ठीक है। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। अभी ध्यान रखना क्योंकि डेल्टा बी का साइन हमें पता नहीं, वो भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डेल्टा में भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए फाइनली हम क्या कर देंगे, इनको मॉड लेके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इवन तो लॉग लेके ये एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन क्योंकि हायर साइड और लोअर साइड दोनों पे हो सकता है, इसलिए इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें मॉड लेके ऐड करना पड़ेगा, समझ गए। तो क्या क्या लिखा हमने, हाउएवर सिंस डेल्टा बी कुड बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देयरफॉर टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर द नेगेटिव साइन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अ प्लस। क्लियर हुआ? तो क्या होगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो चाहे एडिशन, चाहे सब्ट्रैक्ट, सॉरी, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर ही हम क्या करेंगे, रिलेटिव एरर्स जो है ऐड करेंगे हमेशा। क्लियर हो गई ये बात? ओह दिस इज स्लाइट मिस्टेक इन दिस, सो थैंक्स फॉर करेक्टिंग। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, सॉरी। तो यहां पे क्या है हमारा रूल, क्या बना, व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट ऑफ इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द मल्टीप्लायर्स, ठीक है। अभी यहां पे एक वर्ड ऑफ कॉशन है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। मान लो एक सिली से ही ऑपरेशन करते हैं, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, ए डिवाइडेड बाय ए करने वाला हूं मैं, ठीक है, क्या करने वाला हूं, ए अपॉन ए। तो ए जो क्वांटिटी वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, नीचे भी वही वाला ए प्लस माइनस डेल्टा है, इज इट नॉट। अब यहां पे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोरिलेटेड है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाले ए में पॉजिटिव डेविएशन है तो नीचे वाले में नेगेटिव डेविएशन, ये नहीं हो सकता। अभी ए अपॉन बी है तब तो ये हो सकता है, लेकिन सेम ही क्वांटिटी न्यूमरेटर में और सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, तो मुझे पता है कि ये एरर जो है कोरिलेटेड है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कोरिलेटेड, दे आर नॉट अनकोरिलेटेड, समझ में आई बात की नहीं। तो इस केस में हमको बहुत ही ध्यान से प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग आगे देखते हैं, बट ये बात तो समझ में आ रही ना, ऑब्वियसली ए अपॉन ए करोगे, बेशक एरर ए में कितना भी एरर हो, इसकी वैल्यू वन ही रिपोर्ट होनी, कॉमन सेंस बताता है, इज इट नॉट। अदरवाइज मैकेनिकली वो रूल लगा दिया कि न्यूमरेटर में डेल्टा ए बाई ए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा ए बाई ए, तो फिर तुम वन प्लस माइनस समथिंग बोलोगे, वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, इज इट नॉट। फॉर दैट मैटर अगर सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में भी आ रही है, सेम क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी आ रही है, लेट अस से ए अपॉन ए माइनस बी होता, लेट अस से ए अपॉन ए माइनस बी होता, लेट अस से, तो अभी ए ऊपर न्यूमरेटर में, ए हायर साइड पे एस्टिमेटेड है, तो डिनोमिनेटर में भी ए हायर साइड पे एस्टिमेटेड होगा, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर वाला ए लोअर साइड पे एस्टिमेटेड होगा, इज इट नॉट। तो वो थोड़ा सा कंपेंसेट कर रहा होगा एरर को, इज इट नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू एम्पलीफाई द एरर, दैट इज गोइंग टू इनफैक्ट कंपेंसेट द एरर, बात समझ आएगी नहीं। तो ये कंपेंसेशन को कैसे अकाउंट में लेते हैं, तो ये थियरी ऑफ कोरिलेटेड एरर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, वर्ड ऑफ कॉशन कोरिलेटेड एरर्स, इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ ए कॉमा बी अपॉन जी ऑफ ए कॉमा सी, वी कैन सी दैट बोथ एफ एंड जी डिपेंड ऑन वेरिएबल ए, हियर वी कांट सिंपली एड द फ्रैक्शनल एरर्स इन एफ एंड जी, वी नीड टू सी द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ एरर इन ए, बिकॉज ए कुड हैव अ कंपेंसेटिंग इफेक्ट, समझ में आई बात, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है हाउ नॉट टू एड एरर्स, ठीक है, ठीक है, हाउ टू एड एरर्स तो ठीक है, बट ये भी पता होना कि हाउ नॉट टू डू इट। तो क्या लिखा हमने, z मान लो f अपॉन g है, जिसमें से z जो है मेरा a इंटू बी है और g जो है मेरा a इंटू सी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट फोर्स है, तो रो वी जी टाइप के आएंगे ना, वॉल्यूम तो सेम ही आएगा पॉइंट फोर्स और mg के अंदर, तो हो सकता है क्या पता इनका रेशियो निकालने वाले हो, पॉइंट फोर्स और mg का रेशियो निकालने, तो वॉल्यूम पार्ट तो सेम ही है, इज इट नॉट। तो जैसे ये फिजिकली उस तरह की सिचुएशन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अभी डेल्टा एफ बाई एफ जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखो वो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा, राइट। तो ये मेरा फ्रैक्शनल एरर इन एफ आ गया, फ्रैक्शनल एरर इन जी क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा सी बाई सी। अब मैकेनिकली अपना रूल लगा दिया हमने, तो हम क्या बोलेंगे, एफ और जी के रेशियो में क्या एरर बोल देंगे, डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा जी बाई जी, तो बोलेंगे ट्वाइस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। ये हमारा ब्लंडर हो गया, अभी ए का इफेक्ट कॉम्पेंसेटिंग था हमने ऐड कर दिया, ठीक है, दिस इज अ ब्लंडर। सो दिस इज नॉट हाउ टू कैलकुलेट द एरर इन केस ऑफ कोरिलेटेड एरर्स, ठीक है। करेक्ट वे क्या होगा, जेड को हमने लिखा एफ अपॉन जी, फिर लॉग जेड किया हमने, लॉग एफ माइनस लॉग जी, तो दैट इज लॉग ऑफ ए बी माइनस लॉग ऑफ ए सी, ठीक है। अब डी जेड बाई जी जेड करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या आएगा, दैट विल बी डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी माइनस डी ए बाई ए प्लस डी सी बाई सी। यहां तक लॉग लेके डिफरेंशिएट करने तक का स्टेप बिल्कुल एज इट इज ही रहने देना, कोई प्लस माइनस को कुछ बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज बस डिफरेंशिएट किया। उसके बाद बिफोर राइटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन,
अभी इसमें डीए के टर्म्स हैं कुछ, कुछ डीबी के टर्म्स हैं, कुछ डीसी के टर्म्स हैं। बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ टर्म्स में डीए आ रहा है, कुछ टर्म्स में डीबी आ रहा है, कुछ टर्म्स में डीसी आ रहा है। तो डीए वाले टर्म्स को डीए बाहर निकाल के डीए के सारे क्वेश्चंस को एक साथ कंबाइन करेंगे, एक टर्म आएगा। फिर डीबी के क्वेश्चंस को कंबाइन करेंगे, एक टर्म आएगा। फिर डीसी के क्वेश्चंस को कंबाइन करेंगे, एक टर्म आएगा। ये तीनों टर्म्स अभी एज इट इज साइन के साथ हैं। अब मॉड लगाएंगे, अब डीए का जो भी क्वेश्चन बना उसके ऊपर मॉड लगाएंगे, फिर डीबी का जो भी क्वेश्चन लगा बना उसके ऊपर मॉड लगाएंगे, और उसके बाद डीसी के साथ मॉड लगाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? तो अभी डीए का क्वेश्चन क्या आएगा, 1/a - 1/a होगा। अब इसका मॉड लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे डीबी का क्वेश्चन क्या होगा, 1/b, इसका मॉड लगा सकते हैं लास्ट में। ऐसे डीसी का क्वेश्चन -1/c, इसका हम अब मॉड ले सकते हैं। समझ गए? मॉड कब लेना है, पहले से मॉड लेके नहीं ऐड कर देना, जब एक बार डीए डीबी डीसी सेपरेट कर लिए उसके बाद मॉड लगेगा, उसके पहले से मॉड नहीं लगेगा। समझ गए? तो अब इस मेथड से अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो dz/z क्या आ जाएगा, इसका मॉड लगाओगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, 1/a - 1/a, है ना? और इसका लोगे तो db/b, और इसका क्या आएगा, dc/c हो जाएगा। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आ गया, Δz/z विल बी Δb/b + Δc/c। समझ में आया तरीका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरिलेटेड एरर्स जो, इनफैक्ट एरर्स में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है वो कोरिलेटेड एरर्स का ही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट मतलब यही सबसे टफ पार्ट होता है कोरिलेटेड एरर्स का, ठीक है? कई बार जैसे अपेरेंट वेट का एक क्वेश्चन होता है, उसमें ऊपर में भी लिक्विड की डेंसिटी आ रही होती है, नीचे में भी लिक्विड की डेंसिटी आ रही होती है, लिक्विड की डेंसिटी माइनस समथिंग, मतलब a/a - b फॉर्म का कुछ आ रहा होता है, तो वहां पे इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? या फोकल लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो uv/u - v आता है, तो ऊपर में भी यूवी आ रहे हैं, नीचे में भी यूवी आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। या रेजिस्टेंसेस तुम जैसे कैलकुलेट करो सीरीज पैरेलल में, जैसे करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होती है, R1R2/R1+R2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी R1R2 आ रहे हैं, नीचे में भी R1R2 आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर यहाँ पे कोरिलेटेड एरर्स को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि न्यूमरेटर का अलग से एस्टिमेट कर लिया, न्यूमरेटर का अलग से एस्टिमेट कर लिया और फिर अलग अलग इंडिविजुअल मॉड लेके ऐड कर दिया, वो गलत होगा। क्या करेंगे, डी आर वन के टर्म्स को अलग कर लेंगे, डी आर टू के टर्म्स को अलग कर लेंगे, उसके बाद मॉड लेके ऐड करेंगे। समझ गए? जब भी कोरिलेटेड एरर्स हैं, डी के साथ में जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसके टर्म्स को सेपरेट करने के बाद, कॉमन लेके सेपरेट करने के बाद फिर लास्ट स्टेप में मॉड लगाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो जैसे अभी एक और एग्जांपल हमारे पास है, जेड मान लो a/a - b है, ठीक है? a/a - b है, तो एफ एफ जो है मेरा इसी f/g के फॉर्म का, एफ ए और जी मेरा a - b है। तो रॉन्ग मेथड क्या है, Δz/z को सीधे सीधे कर दें, Δf/f mod + Δg/g mod, ये मेरा गलत तरीका है। क्या करेंगे, इस तरीके से अगर कर दोगे तो Δa/a + Δf/a - b / a - b कर दोगे, ठीक है? तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, Δa/a + Δa + Δb, इसका अगर एरर देखोगे तो, क्योंकि एरर हम हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, इसको Δa/Δb / a - b लिख लिया मैंने, ठीक है? तो ये मेरे पास कुछ रिजल्ट आ गया अभी, समझ गए? मैकेनिकल तरीके से करने से ये गलत रिजल्ट है। करेक्ट तरीका क्या है, Δa के क्वेश्चन को अलग करेंगे, Δb के क्वेश्चन को अलग करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में देखो क्या किया, Z = a/a - b लिखा, log लिया दोनों तरफ, तो log z क्या गया, log a - log of a - b, ठीक है? अब डिफरेंशिएट किया तो dz/z क्या आया, da/a - 1/a - b × da - db क्या आया, यहां तक ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, da के क्वेश्चंस को अलग करो, db के कॉमन टर्म्स को अलग करो। तो da कॉमन लेंगे तो da का टर्म यहां से भी आएगा और यहां से भी da का टर्म आएगा, इनको इकट्ठा करके लिखा, तो da को कॉमन लेके लिखा 1/a - 1/a - b, ठीक है? और फिर db का कोएफिशिएंट अलग लिखा db/a - b। अब मॉड लेंगे, इस स्टेप के बाद मॉड लेंगे, नाउ टेक द मॉड, तो क्या आ जाएगा मेरा, Δz/z Δa × 1/a - 1/a - b का मॉड अलग से और Δb/a - b का मॉड अलग से। अब इसको ऐड कर सकते हैं। समझ में आया कोरिलेटेड एरर्स को कैसे हैंडल करने? समझ गए? जब तक इंडिविजुअल वेरिएबल्स के डी वाले पार्ट को सेपरेट नहीं किया, इंडिविजुअली डीए यहां पर भी घूम रहा है, वहां पे भी घूम रहा है, वहां पे भी घूम रहा है, सब टर्म्स पे अलग अलग मॉड लगा दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है? जहां जहां वरागर्दी कर रहा है डीए, सबको एक साथ लेके आओ, एक जगह इकट्ठा करो उसको, उसके बाद मॉड लगाना, डीए के सारे टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद। इकट्ठा करने से पहले मॉड नहीं लगेगा, कि डिनोमिनेटर में अलग से मॉड लगा दो, न्यूमरेटर में अलग से मॉड लगा दो, तो हमेशा ही गलत रिजल्ट आएगा, ठीक है? ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल, ये अभी थोड़ा सा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज के साथ में हम लोग काम करने वाले। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड बाय वेइंग द बॉडी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। पहले एयर में वे किया, फिर बाद में वाटर में वे किया। द वेट इन एयर इज फाउंड टू बी 10 ± 0.1 न्यूटन एंड वेट इन वाटर इज फाउंड टू बी 5 ± 0.1 न्यूटन।
फ्रॉम दिस मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी इज फाउंड टू बी डैश परसेंट, ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है, परसेंटेज एरर हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी में। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला आता है हमारा फाइनली वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स से निकाल सकते हो, तो वेट इन एयर अपॉन वेट इन वाटर, तो ये हमारा ये आएगा, इससे इसको दोनों जगह मतलब ठीक है ये सिंपल सी फ्लूइड मैकेनिक्स की है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में ये आ गया, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सॉल्व करते हो फाइनली स्पेसिफिक ग्रेविटी आता है वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा ठीक है, ये उसी फॉर्म का ना ए अपॉन ए माइनस बी वाला फॉर्म है, वेट इन एयर डिवाइड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर दैट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो लॉग लिया अभी, लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ वेट इन एयर माइनस लॉग ऑफ वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ये आया ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएट किया तो डीएस बाय एस क्या आया, डी डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू ए माइनस वन अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू ए माइनस डी डब्ल्यू डब्ल्यू, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब डी डब्ल्यू एयर वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे, डी डब्ल्यू वाटर वाले टर्म्स को सेपरेट करेंगे, तो वो सेपरेशन कर दिया इन दोनों का। इसके बाद करेंगे अब मॉड लगा सकते हैं, अब डी डब्ल्यू ए वाले सारे एक जगह है, डी डब्ल्यू डब्ल्यू वाले एक जगह है, अब मॉड लगा सकते हैं, अब इन दोनों में मॉड लगा देंगे। और उसके बाद फिर अभी तो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, तो वेट इन एयर मेन पार्ट था उसका 10 और एरर पार्ट जो भी है डेल्टा डब्ल्यू वो 0.1 था दोनों में, है ना, देखो क्या क्या दे रखे हैं, 5 प्लस माइनस 0.1 दे रखा है और इधर 10 प्लस माइनस 0.1 दे रखा है ना, तो वो 0.1 कॉमन ले लिया और इसके बाद फिर ये कैलकुलेट कर लिया हमने, तो कैलकुलेट करके ये वैल्यू जब निकालते तो ये 0.03 आ जाएगी तुम्हारी, 0.03 रिलेटिव एरर है तुम्हारी, परसेंटेज एरर हम लिख सकते हैं 3% एरर आ गया हमारा, तो ये क्लियर है ये सभी को ठीक है। और इसी में अगर रॉन्ग मेथड से निकालोगे कुछ और आ जाएगा, इससे ज्यादा ही आएगा रॉन्ग मेथड से, कभी कम नहीं आ सकता है ना, क्योंकि हमने कंपेंसेट कर दिया यहाँ पे एरर को। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना रिकॉर्डिंग, इसके बाद कल जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एरर एनालिसिस हम लोग देखेंगे, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा, कुछ तो एग्जांपल्स और करेंगे हम लोग कोरिलेटेड एरर्स पे, क्योंकि सबसे ज्यादा यही एक्सप्लोर करते हैं अच्छे क्वेश्चंस में, कोरिलेटेड एरर्स पे एक दो क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर देन वी विल मूव ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। ओके ठीक है, विल स्टॉप।